जो ट्रेलर देखा अच्छा है और इसमें काफ़ी अच्छी एक्टिंग की गई है। सैफ अली खान इसमें दूसरी बार ऐसे रोल में आए हैं। इससे पहले उन्होंने एक फिल्म आई थी ओमकारा, उसमें इस तरीके का लंगड़ा त्यागी का किरदार निभाया था, लेकिन उस जमाने में इस तरीके के स्टंट नहीं होते थे जो अब आ गए हैं। Are you excited for NTR? Yes, very much. I think that the 6 years he spent in preparation for this big project, and this is the part one, and then in the second part we'll see something even amazing. You know, Junior NTR की बात करें, 6 साल के बाद comeback हो रहा है। सबसे पहले RRR आई थी, उसके बाद अब ये मूवी आ रही है, तो किस तरह से देख रही है? एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आई होप यू नो जैसे कल्कि ने किया था, दिखाया बहुत बड़ा था लेकिन कुछ था नहीं उसमें, और इतनी अच्छी भी नहीं लगी थी किसी को भी, तो एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ये थोड़ी अच्छी निकलेगी मूवी। कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ जो देखना चाहोगे देवरा में? जैसे समुंदर को किस तरह से मूवी में दिखाया गया है कि समुंदर में किस तरह के फाइटिंग सीन है, जो हम लोग को बहुत कम देखने मिलते हैं इंडियन सिनेमा में। ज़्यादातर ग्राउंडेड होती है स्टोरी, लेकिन इसमें समुंदर के अंदर की स्टोरी ज़्यादा। जो ट्रेलर देखा अच्छा है और इसमें काफ़ी अच्छी एक्टिंग की गई है। सैफ अली खान इसमें दूसरी बार ऐसे रोल में आए हैं। इससे पहले उन्होंने एक फिल्म आई थी ओमकारा, उसमें इस तरीके का लंगड़ा त्यागी का किरदार निभाया था, लेकिन उस जमाने में इस तरीके के स्टंट नहीं होते थे जो अब आ गए हैं। तो लुक वही है, लेकिन जो ट्रेलर आया उससे पूरी पिक्चर की कहानी तो साफ नहीं हुई है, लेकिन इतना ज़रूर है कि सैफ अली खान ने एक दमदार भूमिका की है। आपको देख के लगेगा नहीं कि वो हमारे सैफ अली खान है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले जो कि आदि पुरुष के बाद से उनका ट्रांजिशन स्टार्ट हुआ, उसके बाद वो विलन के कैरेक्टर में आए। इसमें वो विलन तो नहीं बोल सकते, लेकिन इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक तरह के एंटी हीरो टाइप है, लेकिन वो दोस्त भी है हीरो के। और सबसे भयानक वाला सीन जो है, जो हम लोग को मार्वल से कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें शार्क पे बैठ के NTR साहब एंट्री करते हैं, तो वो वाला सीन देख। आई थिंक आफ्टर RRR दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट्स कमिंग टू इंडिया, एंड आई थिंक दैट दिस डेफिनेटली शाउट्स फॉर एन ऑस्कर, एंड द एक्शन इन दिस मूवी इज अमेजिंग, जानवी इज ब्यूटीफुल, एंड थिंग्स विल गो गुड। ओवरऑल प्रोमो में NTR ही अच्छा लगा, क्योंकि ये सब उनके फ़ैन हैं। मैं फ़ैन तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ उनकी एक्टिंग मुझे अच्छी लगती है, और प्रोमो में ओवरऑल मुझे वो अच्छे लगे, और सैफ अली खान का लुक मुझे अच्छा लगा। लाइक उन्होंने अभी मेंशन किया था ओमकार की थोड़ा सा यू नो रिलेटेबल है, यस ओमकार से थोड़ा सा रिलेटेबल है, बट ओवरऑल तो मैं नहीं बोलूँगी, थोड़ा बहुत मुझे अच्छा लगा। RRR के बाद फिर एक बार जूनियर NTR देवरा के रूप में एक अलग रूप लग रहा है उनका। सेम टू सेम तो नहीं बोल सकते, क्योंकि उसमें थोड़ा सा वो थोड़ा ज़्यादा हीरो टाइप के थे, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा विलन वाला साइड आपको देखने मिल सकता है। यस वेरी मच, आई थिंक दैट द 6 years he spent इन प्रेपरेशन फॉर दिस बिग प्रोजेक्ट, एंड दिस इज द पार्ट वन, एंड देन इन द सेकंड पार्ट वी विल सी समथिंग इवन अमेजिंग, यू नो समथिंग बेटर देन दिस वन, सो इट्स वेरी गुड। एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आई होप यू नो जैसे कल्कि ने किया था, दिखाया बहुत बड़ा था लेकिन कुछ था नहीं उसमें, और इतनी अच्छी भी नहीं लगी थी किसी को भी, तो एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ये थोड़ी अच्छी निकलेगी मूवी। जिस तरह से प्रोमो है बहुत डैशिंग है, और कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि हिट हो जाएगी, और हाँ बट जानवी की वजह से तो नहीं होगी, लेकिन NTR की वजह से ज़रूर होगी। जानवी और NTR की जोड़ी कैसी लग रही है, क्योंकि वो दो गाने में काफ़ी कुछ हरकम मच गई है? तो वही देखने तो सब आया वाला ट्रेलर में, उसका जो सॉन्ग एक दिखाया है उसका बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन लोगों का केमिस्ट्री बहुत अच्छा लगा। जैसे कि आप बोल नहीं सकते कि एज गैप बहुत ज़्यादा है दोनों की, बहुत अच्छी आप बोल सकते हैं, जैसे लगा अच्छा लगा। व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ द ट्रेलर? द एक्शन, आई लव द एक्शन, द BGM, सैफ अली खान, यू नो एवरीथिंग कंबाइंड जस्ट मेक्स फॉर अ वेरी 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 अट्रैक्टिव थिंग, एंड फॉर सिनेमा इट्स अ बिग थिंग। एंड हाउ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर जानवी एंड श्रीदेवी, बिकॉज दे आर लुकिंग सो गुड इन द बिग स्क्रीन, आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू सी दैट सॉन्ग, पर्टिकुलरली दोस टू पर्टिकुलर सॉन्ग? आई थिंक दैट शी इज वेरी क्लोज टू बींग अ वेरी गुड एक्ट्रेस लाइक हर मदर, दे आर वेरी बिग नेम्स, एंड ऑब्वियसली शी हैज ऑल द टूल्स शी नीड्स टू बिकम व्हाट शी वांट्स टू बिकम, एंड जस्ट द नेम जानवी अलोन इज वेरी बिग टुडे, सो इट्स वेरी गुड, एंड शी इज ब्यूटिफुल। देखिए, जो श्रीदेवी की तुलना तो नहीं की जा सकती, ले वो तो बड़ी एक्ट्रेस थी, लेकिन फिर भी है कि उनकी बेटी हैं जानवी कपूर, तो लोगों की उम्मीदें काफ़ी बन जाती हैं कि वो उनके जैसा करें। अगर उनको कुछ फिल्में और ऐसी मिलती हैं तो आने वाले वक्त में उम्मीद है कि वो अपनी माँ जैसी नहीं तो कम से कम उनके करीब करीब एक्टिंग तो कर ही लेंगी। मैन ऑफ मासेस NTR देवरा।
कुछ अगर बताना चाहो। उन्होंने जो एक्शन दिखाए हैं ना वो बिल्कुल ओरिजिनल जान पड़े हैं और पिक्चर में उन्होंने जान डाल दी है। बहुत अच्छी फिल्म उन्होंने बनाई है। जिस तरीके की वो समुंदर में लड़ाई करते हैं, फाइट करते हैं, वो रोल बहुत अच्छा लगा है। और हाँ, जानवी कपूर के बारे में ये देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा कि उन्होंने इस पिक्चर के अंदर क्या नया लाने की कोशिश की है, क्योंकि अब तक उनको शायद ऐसा रोल मिला नहीं है कि जिससे वो अपने आप को साबित कर सकें। उनके अंदर एक्टिंग तो है लेकिन अभी वो पूरी तरह सामने नहीं आ सकी है।